नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले कि लोकसभा में भाजपा के वरिष्ठ सांसद आदरणीय श्री गणेश सिंह जी ने बुधवार को शून्यकाल के दौरान कहा कि रेल मंत्रालय विंध्य एवं बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है। ये योजना बहुत ही विलम्ब से चल रही है। किसानों की जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। ललितपुर सिंगरौली निर्माणाधीन रेल मार्ग में बताया गया कि उनके लोकसभा क्षेत्र सतना का रीवा तुर्की से सतना नागौर देवेंद्रनगर पन्ना तक का मार्ग आता है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है उनके आश्रितों को नौकरी देने के जो आदेश इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रेलवे बोर्ड ने किया था उसी के तहत सतना पन्ना में 1207, सतना रीवा डबलिंग में 459 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सतना पन्ना में 276 आवेदकों को नौकरी दी गई, जबकि उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रीवा सतना डबलिंग में एक को भी अभी तक नौकरी नहीं दी गई, जबकि रीवा सीधी सिंगरौली के बीच 2082 लोगों के आवेदनों पर 1153 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। शेष आवेदनों में विचार बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा में लगाए गए अतरंकित प्रश्न क्रमांक 171 के उत्तर में 11 नवंबर 2019 के पहले जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी उनके आश्रितों को नौकरी देने के निर्णय को वापस लेने की बात कही गई। माननीय सांसद के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2010 में रेल मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि इस परियोजना में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। उसी के तहत कुछ लोगों को नौकरी दी भी गई, लेकिन शेष प्रभावित किसानों के बच्चे अभी तक भटक रहे हैं, उनको नौकरी अब नहीं दी जा रही है। एक ही परियोजना में कुछ को लाभ दिया गया और कुछ लोगों को वंचित रखा गया, ये कहां का न्याय है। माननीय सांसद जी के द्वारा मांग की गई कि सतना के अंतर्गत तुर्की से बगही केमा सीतापुरा से नागौर देवेंद्रनगर तक प्रभावित किसानों के बच्चों को नौकरी दी जाए। आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य ने किसानों की बात सदन में रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। लगातार पश्चिम मध्य रेलवे किसान यूनियन संघर्ष समिति ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, रीवा सीधी सिंगरौली, सतना पन्ना नई रेल लाइन एवं सतना रीवा दोहरीकरण में प्रभावित किसानों के आश्रितों का मुद्दा लोकसभा में उठाने की लगातार मांग कर रहे थे। इनके अलावा किसानों की मांग लगातार धरना मांग पत्र देकर करते रहे। विदित हो कि रीवा सीधी सिंगरौली सतना पन्ना नई रेल लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण के बदले नौकरी देने की बात के लिए किसान लगातार आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहे। रीवा आए पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को मांग पत्र भी सौंपा गया था। उसके बाद महाप्रबंधक कार्यालय से किसानों को पत्र दिया गया था कि रीवा सीधी सिंगरौली एवं सतना पन्ना नई रेल लाइन से प्रभावित किसानों के आश्रितों को रेलवे में नौकरी की सूची जारी कर दी गई है। उसी सूची में कुछ को रोजगार मिला और बहुत से किसान बाकी रह गए। यानी कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना और रीवा सतना दोहरीकरण के जो पात्र किसान हैं, जो नौकरी के पात्र हैं, वो सभी धन्यवाद दे रहे हैं माननीय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी को। और माननीय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि पात्र किसानों को नौकरी दी जाए। इसी वजह से लोकसभा में गूंजा सतना सिंगरौली रेल लाइन का मुद्दा। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आज आप सभी के बीच में लेके आए हैं। तो फिलहाल देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय।